हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं मार्केट में आया हूँ और जैसे कि आप सबको पता है, मैं गूगल पे में काम कर रहा हूँ, गूगल पे का ऑनबोर्डिंग में। तो फिलहाल आज का इस वीडियो में हम सब आज सीखेंगे कि गूगल पे का जो रिविजिट होता है, वो रिविजिट हम कैसा करते हैं, मतलब रिविजिट का जो मर्चेंट इनएक्टिव हो जाते हैं उनको कैसा, किस तरह एक्टिव किया जाता है, और जो ऐप प्रोसेस क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, ये पूरा वीडियो में आप पूरा डिटेल्स जानोगे, पूरा लाइव। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली इसी तरह न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखिए, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू। सबसे पहले गाइस, आपके पास जो हैशटैग ऐप है उसको ऑन कीजिए। उसको ऑन करते ही आपके मर्चेंट के फ़ोन लीजिए, फिर उसके बाद में वेरीफिकेशन इस QR करें। उसके बाद आपके पास जो न्यू QR है उसको अटैच कीजिए। करने के बाद फिर आप मर्चेंट के जो स्टोर है उसका स्टोर का फॉन्ट का फ़ोटो अपलोड कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हैं, जैसे लिखा स्टोर एक्सटर्नल फ़ोटोज़ एंड इंटरनल। तो उसके बाद में गाइस देखिए, जैसे कि मैंने दूर से एक का फ्रंट फ़ोटो ले लिए और एक सामने से भी लेना पड़ता है। दो फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जैसा लेंगे, लेने के बाद में इसको सेव कीजिए, फिर देखिए राइट आ गया। उसके बाद में मर्चेंट अगर दूसरा कोई QR अटैच मतलब यूज़ कर रहा है तो गाइस उसको आप स्कैन कीजिए या फिर इसको छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी करने से कोई परवाह नहीं है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट में आपको करना पड़ेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मर्चेंट फीडबैक, आप जैसे कि ये रिविजिट किया जा रहा है तो रिविजिट में यहाँ पर आप टिक मारिएगा, नो इशू फंड कर दीजिएगा। उसके बाद में इसको डन करके, डन करने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, ये क्योंकि आपको RWM में ऐप में जो है इस यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं RWM ऐप अपलोड कर मतलब सॉरी ऑन कर लिया हूँ, ऑन करते ही ये पहले से मैंने किया था, तो इसको पहले क्या करता हूँ, फील्ड एक्टिविटी में जाने के बाद आप जिस मर्चेंट का मतलब फील्ड एक्टिव मतलब मर्चेंट रीएक्टिवेट कर रहे हो उसका वहाँ पर ही, जैसे कि मैं नितेश कार सर्विस यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही मैंने क्लिक करने के बाद जैसे ये ऑप्शन आ गया तो वहाँ पर जैसे यहाँ कमेंट में कुछ लिखना पड़ता है गाइस, जैसे कि मैं लिख पा रहा हूँ और लिख रहा हूँ जैसा आप देख पा रहे हो, रिविजिट डन। उसके बाद में QR स्कैन कीजिए, मर्चेंट का जो फ़ोन है मेन QR जहाँ से पेमेंट वगैरह होता है, जो मेन QR है उसको स्कैन करने के बाद देखिए स्कैन कर लिया हूँ मैं। उसके बाद में आप हैशटैग फ़ोटो स्क्रीनशॉट जो हमने अभी जो लिया था उसको आप डालना, मतलब फर्स्ट में जो स्क्रीनशॉट लिया था जो राइट दिखा रहा था उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है गाइस, ठीक है। उसके बाद में गाइस अपलोड जैसे ही करेंगे, अपलोड करने के बाद में सेव हो जाएगा, जैसे कि मेरा थोड़ा ऐप स्लो हो रहा है तो इसलिए ये हो गया, जैसे कि देखिए सेव हो गया, राइट डाला। उसके बाद में नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद स्टोर फ्रंट मर्चेंट, मतलब यहाँ पर ही स्टोर का जो फ्रंट फोटो जो है मतलब फ्रंट का जो पिक्चर है गाइस यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे देखिए गाइस ये दुकान का फ्रंट फोटो जो है अच्छा से, मतलब आप जैसा भी एक एंगल ऐसा दिखना चाहिए जो फ्रंट फोटो है, मतलब सब थोड़ा ऊपर वगैरह सब कुछ दिखना चाहिए, जैसे कि मैं ये अपलोड कर दिया हूँ गाइस, ठीक है। अभी फिलहाल लोडिंग हो रहा है कि थोड़ा इंटरनेट स्लो है गाइस, जिसके कारण थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है और कभी कभी ऐप का सर्वर का भी इशू होता है। उसके बाद में गाइस ये करने के बाद में ये अपलोड हो गया, देखिए। फिर वेरीफाई मर्चेंट, देखिए वेरीफाई मर्चेंट में जो अभी हमने जो बीटा हैशटैग ऐप से जो हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था एक्सटर्नल और इंटरनल का, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है गाइस, जैसे कि मैंने अभी अपलोड किया गाइस, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद में ये सेव हो जाएगा। उसके बाद में देखिए QR प्रिंटेड, मतलब अभी आपने जो न्यू QR जो दिए हैं मर्चेंट को उसको आपको अटैच करना पड़ेगा, मतलब अटैच मतलब उसका जो स्क्रीनशॉट होता है गाइस, जो मैपिंग अभी किए हैं उसको वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ेगा। तो गाइस मैं जैसा कि फिर से इसको स्कैन कर लेता हूँ मर्चेंट का मोबाइल ऐप से, वेरिफिकेशन QR स्कैन करने के बाद में देखिए अटैच किया, और ये पहले से मैंने कर लिया था तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो अभी गाइस एक स्टिकर और एक स्टैंडी देना पड़ता है, मतलब रिविजिट में पहले क्या होता था 3 देना पड़ता था, तो अभी फिलहाल दो ही देने से काम हो जाएगा, एक आपका बोर्ड जो होता है वो और एक आपका पत्ता वाला QR जो होता है वो, ये दोनों स्कैन देखिए मैं कर लिया हूँ। करने के बाद में ये देखिए आप अपलोड जो होता है गाइस स्कैन, ठीक से स्कैन करना पड़ता है, जैसे कि देखिए स्कैन कर रहा है गाइस, ये दोनों स्कैन हो गया। आप ये सबमिट में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो रिविजिट का जो काम है गाइस ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो गाइस रिविजिट सक्सेस हो गया, ये मैंने कंप्लीट कर दिया गाइस। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो,
और संगे संग आप एक 21 रुपये का पेमेंट भी कर लीजिएगा गाइस। तो यही है प्रोसेस रिविजिट का।